ये पूछना चाहिए था कि आजकल लोग यूट्यूब के जरिए और वेबसाइट जो है डेवलपमेंट करके बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, वो क्या ये कारोबार करना जायज है या नहीं? मैंने एक बच्चे की खबर पढ़ी दो चार दिन पहले, उसने 1 अरब रुपया कमाया है, यानी वो 5-6 साल का बच्चा है और वो अपनी वीडियो बनवाता है खिलौनों को लेके, ठीक है, इस खिलौने से कैसे खेला जाता है और कैसे नहीं, तो उसने 1 अरब तकरीबन कमा लिया है, ठीक है। नाम से तो नहीं लग रहा था कि वो कोई मुसलमान है, लेकिन जो मुसलमान है जी, वो ये देखता है कि उसका जो जरिया आमदनी है जी, वो हलाल पर मुश्तमिल है या हराम पर मुश्तमिल है, ठीक, वो ये देखता है। सही। अब होता यह है कि जो वीडियो ज्यादा मशहूर होती है, जिसको ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, उनके ना कि इनका कोई वो हो, फार्मूला हो, उस पर वो इश्तिहार लगा देते हैं। ये मामला वेबसाइट का होता है, जो वेबसाइट की जिसकी रैंकिंग थोड़ी ज्यादा होती है, कोई इसका कोई हद होती होगी, उस पर फिर इश्तिहार वो ले सकता है। लेकिन मामला ये होता है कि एक शख्स ने कोई वेबसाइट बनाई और उसको इश्तिहारात के लिए पेश कर दिया, ठीक, या उसकी वीडियो जो है वो उस सतह पर पहुंच गई कि जिससे इश्तिहार मिलना शुरू हो सकते हैं, और उसने इस बात की पेशकश कर दी कि मेरी वीडियो को लोग देखते हैं लिहाजा आप इश्तिहार लगाएं। अब अगर इश्तिहार लगे ऐसी कंपनी का कि जिसकी मसनूआत जायज हो, मसनूआत हलाल हो, और उसकी एडवर्टाइजिंग के अंदर ना म्यूजिक हो, ना औरत हो, ना बेपर्दगी हो, ना बेहयाई हो, ना मकासद शरा के खिलाफ कोई बात हो, तो हम भी नाजायज नहीं कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल जो हकीकत वाकया है जी, जो दरपेश सूरत हाल है, वो ये है कि सामने वाला जो है वो सिर्फ स्पेस देता है कि ठीक है मेरी वेबसाइट को यूज करो, मेरी वीडियो को यूज करो, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती और ना ही उसके पास च्वाइस होती है कि किस तरह का इश्तिहार लग सकता है और किस तरह का नहीं। मुमकिन है ज्यादा से ज्यादा ये हो कि जी आप कपड़ों का इश्तिहार लगाना चाहते हैं या सोने का लगाना चाहते हैं, ठीक है, मुमकिन ऐसा हो, लेकिन जो इश्तिहार जिस नियत पर आएगा जी, वो नियत क्या होगी ये तो वाजे नहीं है ना। सही। और ये वाजे है कि वो कुछ भी हो सकता है, किसी तरह की बेहयाई पर मुश्तमिल तस्वीर हो सकती है, और ये जो जो फोरम है ये हर किस्म के सेंसर से आजाद है, ठीक, यानी हमारा अगर मुल्की मीडिया भी है जो टीवी ड्रामे दिखाता है, मतलब के ठीक है उसके अंदर बहुत कुछ आता है, ठीक, बहुत कुछ गलत चीजें आती हैं, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उसकी भी एक हद तो है, ठीक है, कोई ना कोई हद पे जाके सेंसर हो रहा है, इतना हो कम से कम, लेकिन ये जो फोरम है इनका तो कोई सेंसर नहीं है, ठीक है, कोई बासपूस करने वाला नहीं है, कोई हदूद नहीं है, कोई क्यूदात नहीं है, तो ऐसा तरीका कार इख्तियार करना, ऐसा जो है वो आमदनी का जरिया अख्तियार करना जिसमें हराम का गलबा हो और हराम होना मुतय्यन हो, यानी हराम काम की एयानत मदद ये मुतय्यन हो, तो फिर जो है ये कैसे हलाल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अब इस तरह के मामलात को लेके जो मैटर जो कंटेंट है वो मजाक बन जाता है, अंदर कुछ भी नहीं होता और हेडिंग लगाते हैं ऐसी कि जनाब जैसे कि तूफान खड़ा हो गया है, और वहां जाए कंटेंट पर पता चलता है इसमें कुछ भी नहीं है, यानी फ्रॉड हो रहा होता है सीधा। ये एक खारजी बहस है, लेकिन असल चीज ये है कि जिस फोरम को आपने इस्तेमाल किया है उस फोरम को आपने हराम काम के लिए पेश किया है, ठीक, आपने उसको हराम काम के लिए पेश किया है तो उसकी आमदनी कैसे हलाल हो सकती है। सही। तो जवाब यही होगी नाजायज, बिलाशुबा नाजायज।